जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या आए और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है। जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़े। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार पांच बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी पांच बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, शिव महापुराण की कथा करती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ।